Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from Dreamshot. Let me show you something in this video. आप अभी शायद मोबाइल में ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर अपने कंप्यूटर में. Assuming कि आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, let's try to do something. मान लो आपकी लेफ्ट हाथ में मोबाइल है. Bring your right hand, a finger in between your eyes and the mobile. जब आप इस फिंगर को देखते हो, you know it's in focus. जब ये फोकस में है, then you also realize जिस हाथ में आपके मोबाइल फोन है, that is split into two. And when you try to focus on your left hand with mobile, you realize that your out of focus finger is split into two. इसका मतलब हमारे आँखों से हम जो भी ऑब्जेक्ट इन फोकस देखते हैं, उसके आगे और उसके पीछे की जो डिफोकस्ड ऑब्जेक्ट्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं. इन अदर वर्ड्स, इफ वी कैन से, अगर कोई इमेज स्प्लिट नहीं है तो वो इन फोकस में है. हमारे जो DSLRs होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो इन फोकस है या डिफोकस्ड है. कुछ ही दिन में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इट विल बी ए वन पॉइंट सॉल्यूशन एज अ बाइंग गाइड एस्पेशली फॉर बिगिनर्स. लेकिन उस वीडियो तक पहुंचने के लिए हमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है. तो आज हम ब्रीफली ऑटो फोकस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. जब हम ऑटो फोकस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऑटो फोकस पॉइंट कैसे काम करता है. आई विल नॉट बी गेटिंग इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ इट. हाई लेवल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस तरीके से उसको समझेंगे कि एक ऑटो फोकस पॉइंट जब एक इमेज को देखता है और एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जहाँ पे वो स्प्लिट नहीं हो रहा है, वो कन्वर्ज हो रहा है, तो उसी को शार्पेस्ट ऑब्जेक्ट मान के बाकी सब डिफोकस हो जाता है. ऑटो फोकस पॉइंट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ऑटो फोकस पॉइंट और एक वर्टिकल ऑटो फोकस पॉइंट. इसमें भी हम टेक्निकलिटी थोड़ा सा दूर रख के बस इतना समझ लेते हैं कि वर्टिकल ऑटो फोकस पॉइंट जो है उसको सेम टेक्सचर की वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना मुश्किल होता है, और जो हॉरिजॉन्टल ऑटो फोकस पॉइंट है उसको भी एक यूनिफॉर्म टेक्सचर के एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना मुश्किल हो जाता है. इस डिसएडवांटेज को निकालने के लिए DSLR में क्रॉस ऑटोफोकस पॉइंट्स भी होते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप मिले हुए हैं. ज़्यादातर ये ऑटोफोकस की जो क्लस्टर है उसके बीच में पाया जाता है. कुछ कुछ हाई एंड प्रोफेशनल कैमरास में ये अलग अलग जगह पे स्प्रेड भी हुआ रहता है. जहाँ जहाँ पे ये क्रॉस टाइप ऑटोफोकस पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ऑटोफोकस बहुत जल्दी हो जाता है. अगर कोई DSLR ये मेंशन करता है कि 61 ऑटोफोकस पॉइंट्स है उसमें 41 क्रॉस टाइप ऑटोफोकस है, इसका मतलब है 20 ऑटोफोकस पॉइंट्स या फिर हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑटोफोकस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट तो है बट दे आर नॉट एज फास्ट एंड एफिशिएंट एज क्रॉस टाइप ऑटोफोकस. इतना ही नहीं, हाई एंड DSLRs में ड्यूअल क्रॉस टाइप ऑटोफोकस पॉइंट्स भी होते हैं जो ऑब्वियसली क्रॉस टाइप ऑटोफोकस पॉइंट्स से भी एफिशिएंट है. तो हम इससे ये डिराइव कर सकते हैं कि ऑटोफोकस पॉइंट्स जितना ज़्यादा है उतना इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन हमें ये भी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि उसमें कितना क्रॉस टाइप ऑटोफोकस पॉइंट्स है. ये तो हो गया टू पॉइंट्स. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ऑटोफोकस पॉइंट्स सेंटर में क्लस्टर्ड नहीं होना चाहिए. ऑटोफोकस सिस्टम इज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड कंसिडर बिफोर बाइंग ए DSLR. जब आप फोटोग्राफी करते हो आपके सब्जेक्ट पे फोकस करना कितना ईजी है आपके ऑटोफोकस सिस्टम डिसाइड करता है. होपफुली आज आपको ऑटोफोकस पॉइंट्स के बारे में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपकी कोई भी क्वेरीज और क्लैरिफिकेशन हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. आई विल बी कमिंग अप विद अनदर वीडियो वेरी सून. टिल देन टेक केयर.